80 साल तक तनाव खत्म नहीं होना चाहिए, इसका एकदम सस्ता और मस्त उपचार जो है वो कैसा है वो आज बताने वाला हूँ। एक 10 रुपए में रोज का खर्चा है और इलाज जबरदस्त होगा, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि तनाव कम होने का कारण मेनली जो होता है वो होता है उम्र, और उसके हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है पेनिस में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाती है, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है, आराम नहीं, नींद नहीं जैसी चाहिए वैसी, और उसके वजह से फिर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। एक तो क्या होता है कि विटामिन डिफिशियंसी भी हो सकती है, तनाव है, और फिर उसके वजह से लोग काफ़ी कंप्लेन करते थे कि आजकल है ना मेरा जैसा 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 तनाव नहीं हो रहा है, या जैसा चाहिए वैसा इरेक्शन या टाइटनेस नहीं आ रहा है, या जल्दी गिर जा रहा है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लोग चाहते कि बहुत महंगी एलोपैथी दवाई नहीं लेना है, एलोपैथी दवाई के लोगों को लगता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स है करके लोग आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं। चलो आ जाइए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे आयुर्वेदिक दवाइयों की। तो इसमें आज बताने वाला हूँ मैं 4 ऐसे एटम कि जिसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ही सस्ता है। नंबर 1 है प्याज, नंबर 2 है गार्लिक, नंबर 3 है खीरा, और नंबर 4 है हनी मतलब शहद। प्याज जो है वो काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल प्याज बढ़ाने में मदद करता है। लहसुन जो है गार्लिक, तो उसमें एलिसिन है जिससे भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, इच्छा बढ़ाता है। खीरा जो है उसमें है बीटा कैरोटीन, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, इच्छा बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। खीरे में तो 95% पानी ही है और बहुत अच्छा फायदा होता है खीरा खाने से। और नंबर 4 है शहद, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहते हैं और उससे काफ़ी अच्छी एनर्जी लेवल होती है। शहद में जो बोरॉन रहता है उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद होती है। तो आइए अभी ये कैसे लेना, शहद, गार्लिक, खीरा और प्याज, इसका सेवन कैसे करना उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसका सेवन कैसे करना है, एक मीडियम साइज़ प्याज लेना है, उसको छिल लेना है, उसको काटना है, फिर 3 से 4 कलियाँ लहसुन की लेना है। खीरा जो है वो एक बिना छिले खीरा लेना है, उसको भी काटना है, कट करना है, और ये तीनों भी मिक्सर में डालना है। 200 ml मतलब 1 गिलास उसमें पानी डालना है और मिक्सर में उसको अच्छा घुमाने का है। बहुत अच्छा घुमाने के बाद में उसको छानना है, और छानने के बाद में जो तैयार हो जाएगा लिक्विड तो उसमें 2 चम्मच शहद डालने का है। अभी जो तैयार हो गया लिक्विड ये 200 ml अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, और ये शाम को 5 और 6 के बीच में लेना है, हफ्ते में 3 से 4 बार लेना है, रोज नहीं लेने का है। तो इससे देखो आश्चर्यजनक फायदे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपये खर्चा आएगा रोज का। और इसमें एक तो नेचुरल सेक्सुअल डिज़ायर बूस्टर है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टर है, इसमें आश्चर्यजनक फायदे आपको दिखेंगे। मर्दों में इसके बहुत ज़्यादा फायदे दिखाई देते हैं। हर एक को लगता है कि अपना टाइम बढ़ना चाहिए, हर एक को लगता है कि जितना टाइटनेस आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है उम्र जैसी बढ़ते जा रही है वैसे, मगर ये यदि आप इलाज करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ तो इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। 4 से 6 हफ्ते आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा दिखेगा। ज़रूर आपके कॉमेंट्स डालिएगा और आपका फीडबैक दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।